तो आज मुझे मिला है कार्डबोर्ड जिससे मैं बहुत ही इजी वॉल डेकोरेशन बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली प्रीति जी, आपने मुझसे कहा था कि यदि आपके पास कटर नहीं है तो आप किस तरह से इन्हें कट करें कार्डबोर्ड को, तो इसलिए मैं सीजर की मदद से कट कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। एंड जो भी आपको के पास अवेलेबल नहीं है उसके बारे में आप मुझे बताइए, तो मैं उस तरह से आपको क्राफ्ट बना के दिखाऊंगी। तो अभी ट्राई करें इसे, आप फेविकॉल की मदद से एडजस्ट कर लें, जो कि मैंने ये एडजस्ट कर लिया है। कुछ 5 स्क्वायर साइज कट किए हैं जिसमें एक थोड़ा सा स्मॉल है, बाकी सभी 4 एक साइज के हैं, तो इन्हें इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी। तो सभी के घर में ये कार्डबोर्ड आते हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फेविकॉल की मदद से इन्हें एडजस्ट कर लूँगी। एक्चुअली ग्लू गन की मदद से मैं इसलिए एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये जल्दी से हो जाता है थोड़ा, तो अभी मैं फेविकॉल का भी यूज़ कर रही हूँ। फेविकॉल की मदद से भी इसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो फाइनली एडजस्ट तो हो चुके हैं, तो इन्हें मैं ब्लैक कलर से पेंट कर लूँगी। एक्चुअली पेंट करने के लिए आपको जो भी कलर बेटर लगे वो आप कीजिए, बट ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा ही बेटर लगता है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर किया है। तो कलर करते करते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि प्रीति जी, यदि आप इस वीडियो को देखें तो आप एक बार कमेंट जरूर करें कि, और जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो क्राफ्ट बनाने में, वो आप मुझे बताइए, तो मैं उस तरह से आपके लिए क्राफ्ट बना के दिखाऊंगी। तो फाइनली कलर हो चुका है। अभी मैंने ये डिस्पोजल लिया, इसमें ये पेंट कर लिया, इसलिए मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैंने पेंट करके रख लिया था पहले। तो इसे ग्लू गन की मदद से एडजस्ट कर दूँगी मैं। अभी मैं कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ इसमें रखने के लिए। ये ग्रीन कलर से कुछ ग्रास की तरह कट कर लूँगी इसमें फ्लावर रखने के लिए, ऐसे फेविकॉल की मदद से इसमें एडजस्ट कर दूँगी। एक्चुअली बहुत ही इजी है ये वॉल डेकोरेशन, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली ये एडजस्ट हो चुकी है, अभी मैं इन फ्लावर्स को एडजस्ट करूँगी। एक्चुअली मैंने 2 ही फ्लावर कट किए हैं, जगह तो है नहीं ज़्यादा, तो इन 2 फ्लावर्स को इसमें एडजस्ट कर दूँगी। एंड ये देखिए इसका फाइनल लुक, थोड़े से कार्डबोर्ड और कलर से ये वॉल डेकोरेशन बनी हुई कितनी प्यारी लगेगी। ये देखिए वॉल डेकोरेशन वॉल पर हैंग की हुई। तो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, एंड ऐसे ही यदि वीडियो आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्चुअली मेरे शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये वॉल डेकोरेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। आज मैं आपको चैलेंज देती हूँ, इस तरह की वॉल डेकोरेशन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, एंड बहुत ही कम खर्चे से ये बनी हुई है। तो इसे कार्डबोर्ड की मदद से मैंने बनाया है। एक्चुअली मैंने चैलेंज दे ही दिया है, तो मुझे एक्स्ट्रा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जो ये बहुत ही बेटर बन के आए। तो इस तरह के कार्डबोर्ड से मैंने जो पीसेस कट करके रख लिए हैं, उसके बाद ये सर्कल शेप कट करूँगी। तो फाइनली इसे कट करने के बाद थोड़ा सा ठीक कर लूँगी, जो थोड़े ये ख़राब लग रहा था। अभी मैं इन सभी पीसेस को 1 by 1 करके इसमें एडजस्ट करती जाऊंगी। फिलहाल मैं फेविकॉल की मदद नहीं ले रही हूं, इसलिए कि इन्हें अच्छे से एडजस्ट कर लूं, उसके बाद इन्हें मैं फेविकॉल लगाकर एडजस्ट कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने एडजस्ट कर लिया, ये कुछ स्ट्रिप्स कट की हैं, इन्हें भी मैं इनमें एडजस्ट करूँगी।
एंड इन्हें एडजस्ट करते करते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कार्डबोर्ड की मदद से आपने कभी कुछ बनाया है अपने घर में? यदि नहीं बनाया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। एक्चुअली कार्डबोर्ड तो सभी के यहाँ आती रहती हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है पैकिंग में, तो उससे आप उसका यूज़ करके इसे ट्राई करें। तो बातें करते करते मैंने ये कलर ले लिया है, कलर पेंट करूँगी इसमें, ये ब्लैक कलर से इसे पूरी तरह से पेंट कर लूँगी। एक्चुअली मैंने बहुत सारी इस तरह की वॉल डेकोरेशन बनाई हुई हैं, तो मुझे कुछ अलग सा आइडिया आया कि मैं कुछ अलग सा बनाऊं जो बहुत ही प्यारा लगे एंड कार्डबोर्ड की मदद से ही बना हुआ हो, क्योंकि कार्डबोर्ड तो सबके पास होते हैं। एक्चुअली ये फेविकॉल की मदद से अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई फेविकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये डेकोरेशन बहुत ही प्यारी लगी मुझे और इसमें कॉस्ट भी बहुत कम है। एक्चुअली 10 रुपये में आपका बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि ग्लिटर शीट का ही खर्चा है इसमें और कुछ भी नहीं। तो इस तरह के कुछ मैंने छोटी छोटी पीसेस कट किए हैं इसे और डेकोरेट करने के लिए। इसमें फेविकॉल एडजस्ट करके इन्हें भी एडजस्ट कर दूंगी। तो इस तरह के कार्डबोर्ड का आप किस तरह से रीयूज करती हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस सर्कल में भी इन्हें वन बाई वन करके थोड़ा डेकोरेट कर लें, इस तरह से इन्हीं ग्लिटर शीट को एडजस्ट करते जाएं। तो 10 रुपये में मार्केट से आता ही क्या है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आप इस तरह की वॉल डेकोरेशन एक बार ट्राई करें। मैं तो चली अपने वीडियोस पर व्यूज ना आने के लिए अपने आप को परेशान करने, मेरा परेशान होना मुमकिन है क्योंकि ये वीडियो भी नहीं चलने वाला है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ पता नहीं क्यों वीडियोज़ पर व्यूज ही नहीं आते। एक्चुअली लाइक कम डिसलाइक ज़्यादा आते हैं, तो इसमें ऐसा क्या ख़राब बना है जो मुझे नहीं बनाना चाहिए था? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इसमें क्या कमी रह गई थी जिसे मैं थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ? आपको यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें कुछ चेंजेस चाहिए थे, तो आप एक बार कमेंट करके बताएं, तो मैं उन्हें चेंजेस करूँगी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो
तो थोड़े से ही पोस्ट में मैंने आपको चैलेंज दिया था कि मैं प्यारा सा वॉल डेकोरेशन बना के दिखाऊंगी, जो कि ये है इसका फाइनल लुक। पसंद आया तो लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई आइडिया के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।